बिना किसी उम्मीद के इस एहसान फरामोश जनता से वो सर पे कफन बांध निकल पड़ता है, वो देश के लिए जीता है, वो देश के लिए मरता है। ये पोएम मैंने कुछ टाइम पहले लिखी थी, क्योंकि हमारे देश में जब भी ऐसा कुछ होता है कि डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट होता है, तो कहीं ना कहीं से कोई उड़ता फिरता स्टेटमेंट ज़रूर आ जाता है कि आर्मी में थे, सैनिक थे, अब एक दिन तो मरना ही था, सो एंड सो। तो उसके रिपरकशन में मैंने ये पोएम लिखी थी। चाय की चुस्की लेते हुए बात कुछ ऐसे शुरू हुई, चाय की चुस्की लेते हुए बात कुछ ऐसे शुरू हुई कि जान जो देते सीमा पे उस पे बात करना कितना है सही। किसी ने कहा कि प्रोफेशन चुना ही ऐसा जो वल्नरेबल है, समय का खेल देखिए है कैसा, सेना में भर्ती होने पे भी सोचना पड़े। किसी ने कहा कि भर्ती हुए ही क्यों जब जान गंवाने में दुख हो, जो बिना तमगे और मेडल के जान खोए ज़रा उनके बारे में सोच के देखो। अरे सैनिक का तो काम ही है देश के लिए शहीद होना, सैनिक का तो काम ही है देश के लिए शहीद होना, अब गोली से हो या पत्थरों से हो एक दिन तो था ही उन्हें खोना। चाय की चुस्की लेते हुए बात कुछ ऐसे शुरू हुई, अब खोली जबान मैंने जो अभी तक मौन थी। घर में पीछे छोड़कर माँ की ममता पिता का साया, घर में पीछे छोड़कर माँ की ममता पिता का साया, वो 21 साल का बच्चा हाथ में बंदूक लिए सीमा पे आया। बाप का फर्ज अधूरा रहा, पति का प्यार भी, मोह माया सब किनारे रख देश के लिए जान दांव पे रखी। नहीं हम आज कुछ कहना चाहते, नहीं हमारी आंख से दो आंसू आते, क्यों? क्योंकि वो एक सैनिक है, इसलिए उसकी मौत के ख्याल हमें नहीं सताते। हारा नहीं वो किसी मैच में, ना उसकी कोई फिल्म फ्लॉप हुई, हारा नहीं वो किसी मैच में, ना उसकी कोई फिल्म फ्लॉप हुई, इसलिए उसके लिए हंसना या रोना या अभिव्यक्त करना है बिल्कुल सही। चुपचाप बिना किसी उम्मीद के इस एहसान फरामोश जनता से, चुपचाप बिना किसी उम्मीद के इस एहसान फरामोश जनता से, वो सर पे कफन बांध निकल पड़ता है, वो देश के लिए जीता है, वो देश के लिए मरता है। चाय की चुस्की लेते हुए बात कुछ ऐसे शुरू हुई, ख्याल देख के इस दुनिया के मन में एक टीस उठी, क्यों कोई बलिदान दे इस ऐसे देश के लिए, क्यों कोई बलिदान दे ऐसे देश के लिए जो एक सैनिक के बारे में सोचने से पहले भी 10 बार सोचे। धन्यवाद।